बगल पत्रकार, जैसा कि आपको पता है मैं समाज बंधुओं के सभी भाइयों के इंटरव्यू दिखाने का प्रयत्न करता हूँ। उसी कड़ी में हमारे बड़े भाई जैक्सन जो कि झांसी के रहने वाले हैं, उनका इंटरव्यू लेने के लिए मैं उनके निजी निवास उनके घर पर आया हुआ हूँ। टेंगे टेंगे जी हमारे भाई हैं, तो भाई जी बनाएंगे आज ब्लॉग टेंगे टेंगे नहीं रहते जाते। तो यो गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज आए थे हम अपने जीजू भैया के घर पे अपने रोज से मिलने के लिए। चलिए रोज पहले हेलो कर दो, चलिए हेलो कर दो, ओए फिर बाद में देखना मोबाइल, हेलो कर दो पहले, इधर इधर हाय कर दो, इधर 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 जल्दी इधर हाय कर दो, हाय करो, हाय कैसे हैं आप, चलो कर दिया ठीक है। तो गाइस आज हमें भैया ने इनवाइट किया पराठे के लिए, लेकिन आजकल बच्चों में देखो मोबाइल में लगे रहते हैं, मोबाइल चाहिए मोबाइल मोबाइल मोबाइल, खालू खालू मोबाइल खालू खालू। और सुनाओ टेंगे टेंगे के पापा, टेंगे टेंगे जी हमारे जीतू भैया सुपरस्टार, बहुत दिनों से मिले नहीं थे, आज फाइनली मिलने आए। अभी देखो प्लेटें लग चुकी हैं, आज हमारे लिए आलू के पराठे की व्यवस्था की है जीतू भैया ने। और सुनाओ ओ पराठे पराठे बन गए, सही बताओ ये देखो बने पराठे नहीं, है? नहीं पराठे बन रहे हैं अभी नहीं यार, अभी चाचा को गाइस फाइनली आ चुके पराठे, हम खाएंगे और टेंगे टेंगे खाएंगे। और कैसा है टेंगे टेंगे जैसे कैसे कहीं जान के टेंगे टेंगे करो टेंगे टेंगे कितनी बढ़िया करो यार मजा आ गया टेंगे टेंगे खाते हम लोग पराठे जन, बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय पहले बाय तो करो, पहले बाय करो, पहले बाय करो, बाय लेकर नहीं पहले रुको रुको देख रुको पहले 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 बाय करो, बाय कर दो हाथ से। ओ नहीं कह रहे नहीं जाने नहीं, ओ नहीं हम जा रहे हम तो भाई। आज हमारे यहाँ पर थोड़ी सी तिरंगा यात्रा निकल रही है, तो हम वही जा रहे हैं तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए, चलिए देखते हैं कैसा क्या है। गाइस थोड़ा सा घूम घूम फिर आ चुके थे घर पर, तो अभी आए हमारे बहुत ही अच्छे सीनियर पत्रकार हमारे कृष्णा भैया आपके नहीं 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 बड़ा अच्छा लगा भाई से मिलकर, दूर से चल के आए इतने हमारे लिए इतना प्यार दिया, और भरतपुर से आने का एक ही कारण था झांसी की तरफ, क्योंकि काफी भाइयों से मेरी मुलाकात तो सोशल मीडिया के माध्यम से हो गई थी, बट यही था कि जैसे जैक्सन भाई हैं, नाम तो जितेंद्र भाई है, ये तो मेरे को आज ही पता चला है, मैं जैक्सन के नाम से जानता था, अनिल भाई ने बताया था जैसे से नाम है उनका, चलो अच्छी बात है। बाकी आपके झांसी से बहुत प्यार मिलता है, काफी कमेंट करते थे भाई, मैंने डाला कुछ नहीं था, बस एक छोटी सी स्टोरी डाली थी और जैक्सन भाई ने वो देख ली और तुरंत कॉल किया, आप हमारी झांसी में, और हमसे कॉल भी नहीं किया, मैं भैया आपका नंबर नहीं कर गया था, बाकी फिर भी संपर्क हो गया, बहुत बड़ा अच्छा लगा मिलके। और देखिए मैं तो जाता रहता हूँ, साथ में एक भाई और हैं, आप कहाँ से भैया? झांसी से ही है, छोटे भाई है, सपा गाँव है भाई, रिश्तेदार भी हैं, साथ मित्र भी हैं, ये तो चलती रहती है समाज के अंदर, ये तो चलता रहता है। चलिए आज भैया हमारा इंटरव्यू लेने आए, देखते हैं कैसे क्या करते हैं, आप लोग बने रहिए, इंटरव्यू देखना 24 कृष्णा न्यूज पर, जिस पर समाज के सभी भाइयों के इंटरव्यू मिलेंगे आपको, मनोज बघेल के, सिंगर सचिन बघेल के, गिरिराज पहलवान के, और आज जैक्सन भाई का भी मिलेगा, आज मिलेगा कल मिलेगा जरूर, चलिए साथ में अपने अनिल भाई हैं उनका भी आ जाएगा, उनकी पूरी टीम है जो सोशल मीडिया पर वर्क करते हैं, तो मैं तो प्रयत्न करता हूँ कि भाइयों को दिखाऊं, बाकी तो समाज का प्यार का। सही, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आने के लिए, चलिए देखते रहिए। बगल पत्रकार, जैसा कि आपको पता है मैं समाज बंधुओं के सभी भाइयों के इंटरव्यू दिखाने का प्रयत्न करता हूँ, उसी कड़ी में हमारे बड़े भाई जैक्सन जो कि झांसी के रहने वाले हैं, उनका इंटरव्यू लेने के लिए मैं उनके निजी निवास उनके घर पर आया हुआ हूँ। तो भाई इंटरव्यू सब खत्म हो चुका है, बढ़िया रहा, बहुत बहुत धन्यवाद जी कृष्णा पत्रकार जी, आप हमारे निजी निवास पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद बन सके, अभी मेरे थोड़ा सा काम है, अभी भाई के पास जाना है, थोड़ा सा मैटर है, थोड़ा सा प्रमोशन है, तो उनके बारे में बात करना है, निपटाना है, चलिए सीधे अभी भाई से मिलते हैं, चलते हैं सीधे घर पर। तो गाइस अभी भाई से मिलकर और थोड़ा सा बात बात निपटा के मैं गया था ऑलमोस्ट 6 बजे, रात को 10 बज चुके हैं, अभी आ रहा हूँ मैं थोड़ा सा बाहर, तो अभी खाना
खाने में आज आलू के पराठे और आलू मटर की सब्जी चलिए खाते हैं। तो गाइस आपने अगर एक मेरे को एक चीज़ बोलना है, अभी मैं खाना खा लूँ, आपको एक चीज़ बोलना है, खाना खाने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। चलिए तो गाइस फाइनली खाना वाना सब खा लिया है। बस मेरे को ये बात शेयर करनी थी कि अगर आप चाहें तो कुछ भी चीज़ हासिल कर सकते हैं, भले उसमें बस समय लगता है, समय का सब्र आपको वो रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अगर आप चाहें दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ें जो आप पा सकते हैं, जैसे मेरा छोटा भाई है अभी सूर्यवंशी, उसने 3-4 सालों के अंदर जो कामयाबी छू के दिखाई है ना, चाहे रास्ता कैसा भी हो, मैं नहीं ये मानता कि उसने कैसे किया, लेकिन किया कैसे करके, उसने कुछ करके दिखाया। तो आप भी और हम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं लगा हुआ हूँ, आज नहीं एक साल बाद सही, एक साल बाद नहीं दो साल बाद सही, दो साल बाद 4 साल 10 साल बाद सही, लेकिन समय लगेगा, अपन भी कुछ करके दिखाएंगे। गाइस यही मैसेज था, तो मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो रहा था, मैं अपने आप को मोटिवेट कर लूँ, आपको थोड़ा एक मैसेज दे दूँ, भाई आप भी कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक करना, मेरे चैनल पर नया हूँ सब्सक्राइब करना, मिलते हैं ऐसे अच्छे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तो गाइस आज का मेरा मैं जय हिंद जय भारत।